एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ विम्पी और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ समझ के कुछ हेयर केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ। ऐसे कुछ टिप्स जो कि गर्मियों में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं, और अगर आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो ट्रस्ट मी, एक से दो हफ्ते भी अगर आप इनका ध्यान रखते हैं तो आपके बाल टूटना बहुत कम कर देते हैं, अगर आप इन्हें रेगुलरली फॉलो करते हैं तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पता है आपको क्या करना है। आपको करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाद आएगी एक बेल आइकन, उसे प्रेस करना है ताकि आप मेरे न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस हैं उन्हें मिस ना कर दें। तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि वो टिप्स कौन से हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाल, अच्छे बाल हमारी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा, और अगर हेल्दी बाल ना हो हमारे तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। हमारे बाल गर्मियों में वैसे भी बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो उनका ध्यान रखना बिल्कुल डबल हो जाता है, उनको डबल केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके लिए कुछ ये टिप्स आप फॉलो कर लीजिए जिससे कि आप अपने बालों का ध्यान आसानी से रख सकते हैं। तो पहला जो टिप है वो ये है कि आप अपने बालों को ओवर वॉश ना करें, यानी कि हफ्ते में अगर आप पूरा हफ्ता अगर आप बाल धो रहे हो तो वो बहुत ही गलत है। और अगर कोई आपको आकर ये कहता है ना कि हेल्दी बाल पाने के लिए आप रोज़ाना बालों को वॉश करो तो बहुत ही ज़्यादा गलत बोल रहा है वो इंसान। आप इसे टोटली इग्नोर ही करो कि अगर आप रोज़ बाल वॉश करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी और टूटने लगेंगी, बिल्कुल रूट से ही टूटने लगेंगे आपके बाल, और इससे आपके जो नेचुरल कलर है आपके बालों का वो निकलने लगेगा। आपके बाल वक्त से पहले ही सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे, फिर आप कलर करते रहोगे अपने बालों को, उससे और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे हमारे बाल। तो अच्छा यही है कि आप अपने बालों को हफ्ते में 2 से 3 बार ही वॉश करें, उससे ज़्यादा बार वॉश ना करें। तो अगला जो टिप है वो है बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि है पानी। पानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, देयर इज़ नथिंग बेटर देन वाटर टू ट्रीट योर स्किन, योर हेयर एंड योर हेल्थ। तो जितना हो सके पानी आप ज़रूर पीजिए, दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लासेस आप पानी ज़रूर पीजिए, चाहे आप लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं, पानी पीना बिल्कुल भी अवॉइड मत कीजिए। और आप जितना हो सके सोडा से आप दूर रहें, अल्कोहल से आप दूर रहें, पीना ही है पानी पीजिए। आप डिटॉक्स वाटर आप ले सकते हैं, नींबू पानी आप पी सकते हैं। तो जितना आप पानी पियेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपकी बॉडी जो है हाइड्रेट रहेगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो अगला जो टिप है वो है अवॉइड हीटिंग टूल्स या फिर हीटिंग प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अपने बालों को स्टाइल करने के लिए हम लोग कितनी सारी हीटिंग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्लो ड्रायर है या फिर स्ट्रेटनर है या फिर कितने सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें अब इन चीज़ों से हमें खुद को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, और ख़ासतर गर्मियों में, क्योंकि क्या होता है गर्मियों में ऑलरेडी तेज़ धूप की वजह से हमारे बाल ऑलरेडी इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, और अपने बालों को स्टाइल करने के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल और ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि खुद को इन सारी हीटिंग टूल से खुद को दूर रखें। हमारे बालों के लिए ऑयल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम अब खाना खाते हैं वो इसलिए खाते हैं ताकि हमारी जो बॉडी है, जो हमारी हेल्थ है वो अच्छी बने रहे, हम अपने आप को, हमारी जो मशीन है बॉडी जो है हमारी, उसे ठीक रख सकें, उसे चला सकें। तो उसी तरह जो बालों की जो मशीन है उसे चलाने के लिए ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं आपको बोल रही आप डेली हेयर ऑयल करो या फिर आप हफ्ते में 3 बार ऑयल करो, आप कम से कम 1 बार हेयर ऑयलिंग ज़रूर कीजिए और अपने बालों पर उसे 1 से 2 घंटे आप रखे रहने दीजिए, और उसके बाद आप अपने बालों को वॉश कर सकते हैं या फिर आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं। गर्मियों में मैं आपको यही बोलूँगी कि गर्मियों में ओवरनाइट आप अपने बालों को ऑयल के साथ मत रखिए, क्योंकि पहले ही बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, तो इसलिए आप 1 से 2 घंटे ही अपने बालों पर ऑयल रखिए और उसके बाद वॉश कर दीजिए। और ऑयल आप वही यूज़ कीजिए जो नेचुरल होते हैं, और हेयर ऑयलिंग किस तरीके से करनी है इसके ऊपर मैंने पूरा एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आई बटन के ऊपर आपको ऊपर या इधर उधर स्क्रीन पर कहीं मिल जाएगा, मैं डाल दूंगी, तो आप उसे जाकर भी चेक कर सकते हैं। तो हेयर ऑयलिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिए, अपने हेड मसाज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे बालों के लिए मसाज जो है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो इस चीज़ का आप
जितना हो सके ख्याल ज़रूर रखिए। आखिरी जो टिप मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है रेगुलर ट्रिमिंग के लिए। आप अपने बालों को रेगुलर ट्रिम ज़रूर करिए। रेगुलर करने का मतलब ये नहीं मैं बोल रही रोज़ ही ट्रिम करिए, 3 या 6 महीने बाद आप अपने बालों को जो है ट्रिम कर सकते हैं। आप अपने स्प्लिट एंड को जो है हटा सकते हैं, उसी से आपके जो बालों की ग्रोथ है ना स्प्लिट एंड्स रोक देते हैं। और जब तक आप अपने स्प्लिट एंड्स को नहीं हटाएंगे तब तक आपके बाल ग्रोथ नहीं करेंगे। तो आप अपने बालों को ज़रूर ट्रिम कीजिए हर 3 या 6 महीने बाद, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बालों को ग्रो करना चाहते हैं। अगर आप अपने बालों को लंबा और घना बनाना चाहते हैं तो आप अपने बालों को ट्रिम ज़रूर कीजिए। और आज की जो आखिरी टिप है वो है होम रेमेडीज़। होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं बालों के लिए जो शेयर की हुई हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल एक बार ज़रूर चेक कीजिए, आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं आई बटन में भी उनका लिंक जो है वो दे दूंगी। बहुत सारे ऐसे जो रेमेडीज़ हैं वो बहुत अच्छी होती है बालों के लिए, जैसे कि बनाना हो, अगर आप आपके घर में बनाना है आप एक बनाना लीजिए, उसके अंदर ऑलिव ऑयल मिक्स कीजिए थोड़ा सा, उसके अंदर शहद मिक्स कीजिए। ये जो है ड्राई हेयर बालों के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपके स्कैल्प ड्राई है तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ब्लेंड कीजिए और अपने बालों पर लगाइए। 15 से 20 मिनट बाद आप इसे रखिए और अपने बालों को वॉश कर लीजिए। तो ऐसी ही बहुत सारी रेमेडीज़ मैंने शेयर की हुई हैं, आप होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो बजाय आप पार्लर में जाकर अपने पैसे फूंक रहे हो तो उनकी बजाय आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए अपने बालों पर। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते और 101% आपको फ़ायदा ज़रूर देती हैं। ये थी मेरी कुछ हेयर केयर टिप्स, अगर आपको पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर आप ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।